हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट रहता है कि डीएलएड बेस्ट है या बीएड बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है, किस में कम समय लगेगा नौकरी मिलने में, कौन है सबसे बेस्ट। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम डीएलएड या फिर टीचर बनने से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। डीएलएड का फुल फॉर्म क्या आता है और बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए मैं बता देती हूँ। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब हम बात कर लेते हैं बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब ये दोनों 2 साल का होता है, डीएलएड 2 साल का होता है और बीएड भी 2 साल का होता है। आप डीएलएड कब कर सकते हो, जब आप कोई भी ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीएससी ये सब कुछ करके और उसमें आपके मार्क्स 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का 45% होना चाहिए, तो आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं बीएड का। तो बीएड में ये नियम है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपका अगर 50% मार्क्स रहता है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं डीएलएड में क्या प्रोसेस होता है। डीएलएड में प्रोसेस होता है कि आपको एक फॉर्म भरना होता है और जिसमें आपके मेरिट के आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया जाता है। और यही बात हम बीएड में कर लेते हैं, तो बीएड में आपको मेरिट के आधार पर कॉलेज नहीं मिलता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उसके बाद आपको, अगर आपका नंबर उतना होता है तो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, और अगर आपका कम नंबर रहेगा तो फिर प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जो डीएलएड कर रहे हैं और बीएड कर रहे हैं, इनको सर्टिफिकेट कैसा मिलता है। तो जो डीएलएड करते हैं उनको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, क्योंकि डीएलएड एक डिप्लोमा है। लेकिन बीएड अगर आप कर रहे हो तो आपको एक डिग्री मिलती है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डीएलएड कर रहे हैं वो किस बच्चे को पढ़ा सकते हैं और जो बीएड कर रहे हैं वो किस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो जो डीएलएड कर रहे हैं वो 1 से 5 के क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और जो बीएड कर रहे हैं वो 6 से 8 या 8 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि किसमें कम समय में मिलेगा जॉब, ठीक है, कौन है सबसे बेस्ट। तो बेस्ट तो अगर आप कर रहे हो तो दोनों ही बेस्ट है, ठीक है, लेकिन कम समय में आपको जॉब मिलने की बात यहाँ है। तो अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि 1 से 5 के कक्षाओं तक ही आपको पढ़ाना है, तो उसमें ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको 6 से 8 या फिर 8 से 12 क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो आपको, अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको कम समय में जॉब मिल जाता है। और आप उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, अगर आपने डीएलएड कर लिया और बीएड कर लिया, ठीक है, तो अगर आपने डीएलएड कर लिया उसके बाद आपको टेट का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है, और उसमें अगर आप सक्सेस मतलब आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक मान्यता मिल जाती है कि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर पढ़ा सकते हो 1 से 5 की क्लासेस, ठीक है। और बीएड में टीजीटी और पीजीटी करना होता है, उसका फॉर्म अप्लाई करना होता है।
लेकिन हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अगर हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट एडमिशन लेते हैं, मतलब ओपन गवर्नमेंट कॉलेज से लेते हैं एडमिशन, तो क्या हमारे मार्कशीट में या फिर हमारे डिप्लोमा में कोई प्रॉब्लम होगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस उस कॉलेज को मान्यता होनी चाहिए तो फिर वो मान्य रहता है। तो आपको पता चल गया कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो तो बेस्ट तो दोनों ही है, लेकिन अगर आप कम समय में जॉब लेना चाहते हो तो आपके लिए डीएलएड सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें केवल 1 से 5 के कक्षाओं में आपको पढ़ाना होता है, और अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ा रहे हो और आपने डीएलएड कर लिया है और अगर उससे ज़्यादा पढ़ाना चाहते हो, जैसे 6 से 8, 8 से 12, तो आपको फिर बीएड करना होगा, ठीक है? क्योंकि बीएड का थोड़ा मान्यता ज़्यादा है, हाई क्लासेस के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। तो अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि हम डीएलएड करें या बीएड करें, ठीक है? क्योंकि आपको पता है डीएलएड 2019 और बीएड 2019, बहुत सारे बच्चे बीएड में गए हैं और डीएलएड में बहुत ही कम बच्चों ने एडमिशन लिया है। ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि बीएड में अब ये भी मान्यता हो गई है कि ये प्राथमिक स्कूल के बच्चों तक भी पढ़ा सकते हैं। पहले ये नियम नहीं था कि जो बीएड कर रहे हैं वो 1 से 5 के क्लासेस के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें अब ये भी मान्यता हो गई है कि जो बीएड करने वाले हैं वो 1 से 5 के क्लासेस को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसमें ये हुआ कि डीएलएड ना करके सारे स्टूडेंट बीएड करने लगे। लेकिन आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है कि अगर हम डीएलएड कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप डीएलएड कर रहे हो, अपना एक लक्ष्य बना लो कि हाँ मुझे यही करना है, तो फिर आप टीचर बन सकते हो। हर किसी का सपना होता है टीचर बनना, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है? तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ठीक है? डीएलएड 2019 की फेज 1 की काउंसलिंग हो चुकी है और फेज 2 की काउंसलिंग 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, और डायरेक्ट एडमिशन आप जब फेज 2 की काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, और डायरेक्ट एडमिशन में उतना ही फीस लगता है, ना कि ज़्यादा लगता है, ठीक है गाइज? तो ऐसे ही यूपी डीएलएड या फिर टीचर संबंधित जानकारी पाना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जिस किसी ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू सो मच। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।